कल यानी 14th ऑफ जून को कॉमेडी फिल्म फुकरे कर लेगी पूरे 10 इयर्स कंप्लीट इन द इंडस्ट्री और काफी टाइम से चर्चा है फुकरे 3 की भी। कुछ टाइम पहले अनाउंस हुई थी फुकरे 3 की रिलीज डेट विच वॉज 24th ऑफ नवंबर, लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने कर दिया है मूवी को पोस्टपोन। जी हाँ, जहाँ अभी पहले ही फैंस कर रहे थे वेट फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो अब उनका वेटिंग पीरियड हो चुका है और भी ज्यादा इंक्रीज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब नवंबर नहीं बल्कि फुकरे 3 रिलीज होगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वेल यस, जहां अभी तक मेकर्स ने इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो वहीं रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि अब मूवी रिलीज होगी ऑन 1st of December और ऑन 8th of December। सोर्सेस का कहना है कि फुकरे रिटर्न्स भी रिलीज हुई थी दिसंबर में, तो क्यों ना थर्ड पार्ट को भी लाया जाए विंटर सीजन में ही। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि फुकरे 3 के मेकर्स यानी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रहा है कोशिश एक गैप मेंटेन करने की फ्रॉम मूवीज टाइगर 3 एंड डंकी। यस, यू हर्ड इट राइट, सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की एक्शन थ्रिलर टाइगर 3 रिलीज हो रही है 10th of November को। तो वहीं शाहरुख खान की डंकी लेगी रिलीज 22nd of December को। नाउ लेट्स सी कि रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर डिसाइड करते हैं कौन सी डेट टू रिलीज फुकरे 3। वैसे एक न्यू प्रोजेक्ट की भी हो रही है चर्चा बॉलीवुड की गलियों में, जहां बात हो रही है आमिर खान की करने की कोलैबोरेट। वहीं सामने आ रहा है ये कि आमिर की चल रही है काफी टाइम से डिस्कशन विद जोया अख्तर फॉर अ प्रोजेक्ट। जी हाँ, आमिर को कई बार देखा गया है विजिट करते जोया के ऑफिस, तो अब सोर्सेस से पता चला है कि आमिर और जोया ने फाइनली कर लिया है डिसाइड कि वो करना चाहते हैं किस प्रोजेक्ट पर वर्क। इंडस्ट्री इनसाइडर ने बताया कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड है और कई ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल लॉक नहीं की गई हैं। वेल नाउ लेट्स सी कि अब लास्ट ईयर रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर चूज करते हैं किस प्रोजेक्ट को। टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज की वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।